अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम समझते हैं कि बीबीए है क्या और बीबीए करने से आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि व्हाट इज बीबीए, बीबीए है क्या, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली इस डिग्री को डिजाइन करने का पर्पज ये था कि एक कैटलिस्ट क्रिएट किया जाए। कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी भी प्रोसेस में जब जाता है तो उस प्रोसेस को तेज कर देता है, यानी उसकी एफिशिएंसी को, उसके रिएक्शन टाइम को तेज कर देता है। सेकेंडली, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का मकसद ये था कि एक ऐसे इंडिविजुअल को ट्रेन किया जाए जो कि बिजनेस के एस्पेक्ट्स पे पूरी तरह अबूर हासिल करे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आप मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लॉ, आप बहुत सारे बिजनेस एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं, इकोनॉमिक्स, यू नो एवरीथिंग यू नो अबाउट बिजनेस। सो बेसिकली इसके बनाने का मकसद ये, इसको सीखने का मकसद ये होता है कि एक ऐसा मैनेजर बनाना जो कि चीजों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सके। सो दिस इज द पर्पस ऑफ बीबीए, कि एक कैटलिस्ट बनाना जो कि प्रोसेस को तेज करे, चाहे वो जॉब सिनेरियो में हो, चाहे वो किसी बिजनेस में हो या किसी स्टार्टअप में हो, एक बिजनेस को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर ले। सेकेंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स करते हैं कि इस डिग्री का स्कोप क्या है, बीबीए या एमबीए का। स्कोप तो इस डिग्री का बहुत ज्यादा है। देखिए, इट्स एन अमेजिंग डिग्री। अगर आप बिजनेस ग्रेजुएट हैं और बिजनेस को समझते हैं तो आप किसी भी बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, छोटा बड़ा इट डजंट मैटर। लेकिन स्कोप तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके पास स्किल सेट नहीं होंगे। बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री सिर्फ अकेले में, आइसोलेशन में कुछ नहीं कर सकती। आपको उसके साथ कुछ स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उन स्किल्स में सबसे नंबर वन स्किल्स होता है कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसके अलावा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्यूटर स्किल्स, देयर आर अ लॉट ऑफ स्किल सेट यू कैन ऐड विद योर डिग्री टू बूस्ट योर डिग्री लेवल। ठीक है, तो आपको स्किल्स की बहुत जरूरत है। तो जब आप डिग्री कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं तो 8 semester या एमबीए कर रहे हैं 2 semester है, तो आप फ्री ना बैठे। उस टाइम में प्रिपेयर योरसेल्फ, जो भी रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन आप ले रहे हैं उस रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन के साथ वो स्किल सेट लें। फॉर इंस्टेंस, अगर मार्केटिंग में है तो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को सीखें। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में हैं तो उसके एनालिटिक्स को देखें। अगर सप्लाई चेन में हैं तो उसके एडवांस 6 sigma प्रोफेशनल डिग्रीज को देखें। तो यू नीड टू इंक्रीज योर स्किल सेट। सिर्फ डिग्री आपको नहीं देगी, आपके पास जब तक स्किल सेट्स नहीं होंगे स्कोप नहीं है। ठीक है, यू नीड टू हैव द स्किल्स, फिर वो स्कोप बनेगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन कि बीबीए या एमबीए की डिग्री करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। आप बिजनेस मैनेजमेंट के किसी भी रोल के एचओडी बन सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, फाइनेंस के, मार्केटिंग के, एचआर के, सप्लाई चेन के, ऑपरेशंस के, यू कैन बिकम द मास्टर ऑफ दैट। आप पहले ग्रेजुएशन से एक छोटी सी जॉब से एंट्री मारे, ठीक है, एंट्री मारने के बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लें, और एमबीए करने से पहले, एमबीए करने से पहले या तो एक्सपीरियंस लें फिर एमबीए करें, या साथ साथ पैरेलल में। देखिए, बीबीए से हमें एक फाउंडेशन तो मिल जाता है, लेकिन एमबीए करने से पहले जो एडवांस स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन या स्ट्रेटेजिक मॉडल्स जो हमें पता चलते हैं उनको समझने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो बीबीए के बाद, या अगर बीबीए के साथ ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, साथ साथ पैरेलल लेके चले, दैट वुड बी ग्रेट, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, सो यू कैन बी एनीथिंग ऑफ वैल्यू विद टेकिंग दिस डिग्री, अगर आपके पास पैशन है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है, क्योंकि इससे आपको बिजनेस के जितने भी फंक्शंस हैं उनकी समझ आना शुरू हो जाती है कि सारे बिजनेस फंक्शंस कोलैबोरेशन में काम कैसे करते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है, लेकिन आपको मास्टर एक चीज का बनना पड़ता है और बाकी सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो तो यू कैन बिकम अ गुड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि आप बिजनेस को अच्छे से कंट्रोल कर सकें और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें। तो साथ साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें, छोटे छोटे बिजनेस इनिशिएटिव्स में भी काम करें। अगर आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, बिजनेस समझ आता है, तो आप इस डिग्री को करने के बाद सिर्फ जॉब नहीं कर सकते, आप इसको, इस डिग्री को लेने के बाद आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जो कि इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। इट मेक्स यू अ एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। इस डिग्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपको मल्टीपल
रास्ते देता है अपॉर्चुनिटी के, जॉब भी देता है, बिजनेस का रास्ता भी देता है और एंटरप्रेन्योरशिप का भी रास्ता देता है। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, उस पर एक वीडियो है सजेशन बॉक्स में, उसको जरूर देखिएगा। सो आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हो। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। विद दिस मैसेज आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट इंशाल्लाह। विद दिस अताशा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।